नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज। आज मैं आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने आई हूं जिन चीजों से हम महिलाएं ज्यादातर जूझती हैं, मगर शायद ही कभी हमने इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की होगी। मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स में होने वाले पैरों में दर्द की और उससे पहले आने वाले उन मेहमानों की जो अक्सर ही बिन बुलाए होते हैं, यानी कि पिंपल्स। अक्सर कई महिलाओं में यह सवाल होते हैं कि पीरियड्स में पेट में दर्द होना तो समझ आता है, लेकिन पैरों और पीठ में दर्द आखिर क्यों होता है, और पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले हमारे चेहरे पर पिंपल्स क्यों निकल आते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इसके पीछे का रीजन। अगर आमतौर पर देखा जाए तो 65% लड़कियों को पीरियड्स के दिनों में सबसे ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं। पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले ही चेहरे पर पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इस पर डॉक्टर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि 28 टू 30 डेज की साइकिल, ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें हार्मोन्स का लेवल अल्टर होता रहता है, कभी वो बढ़ जाता है कभी वो घट जाता है। ऐसा ही जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे ये हार्मोन अल्टरेशन के कारण जो हमारी स्किन के पोर्स होते हैं उसमें सीबम जो होता है उसके ग्लैंड्स में सीबम की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है और जो पोर्स होते हैं उनके ब्लॉक होने की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि सीबम का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तभी ये पोर्स जो ब्लॉक हो जाते हैं इसमें बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं और इसलिए ऐसे टाइम पे मुहासे, एक्ने या जिसे हम पिंपल्स कहते हैं वो ज्यादा बनने लग जाते हैं। इस वक्त पर पिंपल से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, डाइट वगैरह कैसी रखनी चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिंपल्स का प्रोडक्शन हार्मोनल इंबैलेंस के चलते होता है, तो इससे राहत कैसे मिले उसके लिए सिर्फ इंटरनेट पर देखने से नहीं चलेगा। आपको एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट और एक गायनेकोलॉजिस्ट दोनों का साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट कराना चाहिए। यानी कि एक स्किन स्पेशलिस्ट आपको आपके स्किन टाइप के बारे में बताएंगे और आपको इस अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है ऐसे टाइम पे तो उससे आपको हल बताएंगे। साथ में वो ये जज कर सकते हैं कि ये कहीं पीसीओडी का एक मुख्य कारण तो नहीं है। तो आपको क्या करना होगा ऐसे में, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने हार्मोन्स का चेकअप कराना चाहिए। इससे आप पिंपल्स से जल्द राहत पा सकते हैं बिकॉज इट इज अ कम्बाइंड एफर्ट ऑफ अ स्किन स्पेशलिस्ट एंड अ गायनेकोलॉजिस्ट। साइमल्टेनियसली आपको एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए यानी जिसमें हर प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन हो, कम से कम जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना चाहिए, स्पेशली जब पीरियड्स आने वाले हो उस टाइम पर इसका ध्यान देना चाहिए। चलिए, ये तो हुई पिंपल्स की बात, अब बात करते हैं दूसरी परेशानी यानी पैरों और पीठ में दर्द के बारे में। अक्सर कई महिलाओं में ऐसा पाया गया है कि उनके पीरियड्स के वक्त पर पैरों और पीठ में दर्द होने लगता है। पीरियड्स में पैरों और पीठ में दर्द होने की वजह से काम करने वाली महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत सहन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या आपको पता है? तो चलिए इसके बारे में डॉक्टर से जानते हैं। पीरियड्स एवरी मंथ जो लेडीज को होते हैं उसमें यूट्रस की जो एक्सेसिव लाइनिंग होती है वो शेड ऑफ होती है। तो ऐसा करने के लिए यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो इसकी नसें हैं, ब्लड सप्लाई है, ये सब जुड़ी हुई होती है, चाहे वो हमारी लेग्स के साथ हो, थाइस के साथ हो या हमारी बैक के साथ। तो जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पेट के निचले हिस्से में जिस तरह से दर्द होता है वही दर्द रेडिएट करता है बैक की तरफ और लेग्स और थाइस की तरफ। क्या ये नॉर्मल है? आई डोंट थिंक सो कि ये एवरी टाइम नॉर्मल होगा। अगर ऐसा करते हुए जब आपको पीरियड्स के टाइम पे इतना पेन हो कि आप अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल नहीं जा पा रहे हो, अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, और अगर आप घर पे हो तो घर का नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू रूल आउट कि कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, अगर एक नॉर्मल दवाई जो कि ओवर द काउंटर मिलती है जो कि ड्रोटेन होती है उससे आपका पेट का दर्द ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल हो। यू शुड ऑलवेज कॉन्टेक्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट जब भी आपको ऐसा लगे कि ये दर्द आपकी बर्दाश्त से बाहर है। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी तरह की समस्या के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।